जय गुरुजी, गुरुजी की चरणों में सादर प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी सादर प्रणाम। जय गुरुजी। आई हैव अ मिक्स फीलिंग बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज सो ब्यूटिफुल दैट आई थिंक द मोमेंट आई एंटर्ड सो आई स्टार्ट क्राइंग। सो आई वॉज आस्किंग गुरुजी, मुझे तो खुशी होनी चाहिए, मेरे आंखों में आंसू कैसे आ जाते हैं? सो गुरु जी, यू नो ही आंसर्स, यू नो यू बीन क्लींज्ड, आपकी क्लींजिंग होती है एंड आई डोंट नो हाउ इट प्लान फॉर मी एंड थैंक यू आरती आंटी एंड माय फ्रेंड अलका आंटी एंड इट्स जस्ट हैपेंड दैट आई एम हियर with Guruji's grace and blessing that I am in front of you and going to share my satsang. So in 1999, I was working with Sahara Airlines and one of my Captain Chopra, Captain said, "Tu badi guru guru, I hope I'm clear or you want me to, in English, okay. So, kende tu badi guru guru kar di hai? चल तेनू एक गुरु नो मिलान लेके जांदा। सो बी आई एम फ्रॉम लाइक आई एम पंजाबन फ्रॉम अमृतसर, सो ठेठ पंजाबी आई स्पीक। सो मैंने कहा एंड आई जस्ट गॉट न्यूली मैरिड, सो यू नो हाउ इज इट, आई डोंट नो हाउ माय अंकल विल बिहेव विद मी कि इनू की होया, विआह होया ते इत्थे पता नहीं की करदी पई है। सो आई आस्क्ड माय अंकल, ही सेड ठीक है। सो वी वेंट and Empire State and Guruji was in the green chola, beautiful chole mein Guruji apni gaddi mein baithe hue the and I just entered and I just saw the sangat is sitting and there is a gurbani going on. So jaise Guruji ke charno pe maine matha teka and then I was just looking for a place and somebody said, "Auntie, auntie." I said, "Oh God, am I look like an auntie?" So I was not aware that we've been addressed here as auntie and uncle. Kiti Guruji is calling you. So I said, I don't know how. Maine koi theek se nahi kiya, kya nahi kiya, I don't know. So the moment Guruji kehte, "Ethe baith ja." So main andar hi andar, I was just, you know, kya ho gaya, did I do something wrong and all. So aise hi satsang hua, gurbani hui, sharing hui. Phir Guruji kehte, ओ शर्मा अंकल है आंटी ना डांस करूँ ते ओ गुरदास इज वे फाउंड ऑफ गुरदास मान सो कहते ओ लगा दे छला छला ए आंटी डांस करूँ एंड यू कांट बिलीव कि एक आप ऐसे ओरे में बैठे हो जहाँ सत्संग चल रहा है गुरबानी चल रही है और गुरुजी की मौज में मतलब डांस भी है एंड आई लव डांस एंड गुरुजी ने मुझे ऐसे बुलाया एंड मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी कहते हैं चलो लगाओ लगाओ ठेठ पंजाबी एवरीबडी नोज गुरुजी स्पीक्स सो ब्यूटीफुल पंजाबी सो अब मैं सोचूं कि मैं करूं क्या देन आई लुक एट माय अंकल आई सेड मैं कैन आई डू और नॉट पता चला घर जाके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सो देन आई सेड गुरुजी कहते किन्ने अमिताभ बच्चन पैदा हुए मैं कहा गुरु जी हाले तो एक ही हो किन्ने लता मंगेशकर पैदा हुए मैं कहा गुरु जी हाले एक ही हो सो हिज मैसेज वॉज यू नो जिसके जो गुरु के आगे नाचता है दुनिया उसके आगे नाचती है ये इस शब्द को समझने में आई थिंक 15 years तो लगी गए एंड गुरु जी वॉन्ट मी टू डांस एंड आई वॉज जस्ट हेजिटेटिंग सो देन आई वॉज जस्ट डूइंग लाइक दिस तो गुरु जी सेट स्टॉप डू इट फ्रॉम योर हार्ट So whatever we do, we have to do it from my heart, my bhav. So मैं कहा ठीक है चल यार कह ही रहे हैं कर ही लेने हैं डांस चलो अपनी अपनी उसमें फॉर्म में मैं आ ही जाती हूँ सो हेयर माई जर्नी स्टार्ट विद गुरु जी लाइक दिस द फर्स्ट डे आई डांस एंड गुरु जी कहते ए हुई ना गल खुल के नचो जो करना है खुल के करो डू इट फ्रॉम योर हार्ट
डजेंट मैटर इफ़ यू आर, आप लंगर प्रसाद में हम देखते चार चार सब्जियां प्रसाद हो जाती, वो कहते आई एम हैप्पी विद द दाल चावल ऑल्सो, आई एम हैप्पी विद द दाल प्रसाद ऑल्सो, बट भाव हैज़ टू बी देयर। सो हम जितनी पुरानी संगत थी, हम लोग बहुत चीज़ें उस समय गुरुजी की नहीं समझ पाते थे, क्योंकि गुरुजी इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल जाते थे और वो हमारे एकदम ऊपर से निकल जाती थी। एंड देन द माई जर्नी स्टार्ट लाइक दिस, आई लाइक गोइंग। अच्छा, अब क्या होता था, गुरुजी मुझे पूरी संगत को जब तक आज्ञा नहीं देते थे तो कोई नहीं जा सकता था, और सारी संगत को आज्ञा दे देते थे, और मेरी 3 बजे मॉर्निंग शिफ्ट होती थी। सो मैंने कहा गुरुजी मैं मतलब मैं बैठी, मैं गुरुजी को देखी जा रही हूँ कब गुरुजी मुझे आज्ञा दे, एंड आई हैव अ मॉर्निंग शिफ्ट। सो गुरुजी कहते की काली है तेनू, कोई गल नहीं, इतों जाएंगे। वो किसी अंकल की ड्यूटी लगा देते थे कि इनको जाके एयरपोर्ट पे छोड़ो, इनकी ड्यूटी है, और मेरे अंकल को कहते थे आपको आपकी एनर्जी लेवल्स थोड़े करने के लिए आप 2 घंटा सो फिर जाना ऑफिस। तो मैंने कहा यार गुरुजी ये मेरे पास इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी कि मैं वहाँ पे, एंड यू नो हाउ डिफिकल्ट इज़ एयरपोर्ट ड्यूटीज़, एंड आई रियली डोंट नो हाउ आई यूज टू डू इट। मतलब एवरी सेकेंड डे आई एम गोइंग 3 o'clock टू माई एयरपोर्ट, किसी की गुरुजी ड्यूटी लगा देते। एक दिन माई अंकल वॉज गोइंग थ्रू सम मेडिकल इशू, कहते की होया तेन, तो उन्होंने माई अंकल सेड कि यू नो आई हैव गॉन, मैंने टेस्ट वेस्ट कराया, मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा आया। अच्छा, कल ना लोटा लेके आई, तो गुरुजी ने, मैंने कहा लोटा मंगा रहे हैं, यू नो यू नीड टू बिलीव व्हाट ही इज सेइंग। अगर आप गुरु को सरेंडर करके उनको बिलीव करते जाओगे, आई थिंक फिर तो कहीं ना कहीं तो हम पार हो जाएंगे, बट अगर हम इफ़ एंड बट लगाएंगे तो फिर नहीं पार हो पाएंगे। सो आई वॉज अ वेरी लाइक कि गुरु कह रहा है तो कोई बात होगी। मैं कहा चलो अंकल, विवेक अंकल ले चलते हैं लोटा। हम लोटा लेके गए, गुरुजी ने ब्लेस किया। कहते 2 दिन बाद ना, लोटा तो जल पीना है और मेडिसिन खाते रहना, 2 दिन बाद उसी टेस्ट कराना दोबारा। सो मैंने कहा यार 2 दिन में क्या हो जाएगा, वही अपनी इंडियन थॉट, ले जी ले हॉलीडे आया है हूँ ना, किस तरह हो जाएगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, जैसे उनकी रिपोर्ट आई थायराइड है ही नहीं। कैन यू इमेजिन लाइक ओ माई गॉड, गुरु जी आए तो हम बैठे हुए थे, कहते की होया रिपोर्ट किस तरह आई, हो गई ना ठीक, एवें घबराई जाते हो। सो सी हाउ स्वीटली हाउ ब्यूटिफुली ही एक्सप्लेन्ड अस, बट स्टिल वी आर सम रॉन्ग इन आर माइंड दैट कहीं ना कहीं हम घूम घूम के वापस उस जगह पे जाते हैं, फिर गुरुजी हमें उस जगह से निकालते हैं उस अच्छी सोच के लिए, फिर हम वापस जाते हैं। सो दिस इज़ आर जर्नी एंड दिस इज़ वाई दिस गुरुजी हैज़ यू नो दिस सत्संग प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन क्लिंस, वी कैन बी मोर पॉजिटिव एंड वी कैन बी स्प्रेड मोर स्माइल्स टू द संगत एंड टू द अदर संगत। चलो जी ये हो गया। एक दिन गुरुजी बहुत मौज में बैठे थे, गुरुजी जब भी अपने रूम में जाते थे वो गुरुजी अपनी वहाँ पे मेडिटेशंस करते थे, और हमेशा गुरबानी, ही ऑलवेज सेज गुरबानी, सारे जवाब आपको गुरबानी में मिलेंगे। तो एक दिन गुरुजी मौज में बैठे थे, कहते सारे को आज्ञा दी, वी वर जस्ट 15 ऑफ अस, उसमें जेठरा अंकल और आंटी थे, वी नो ही इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड संगत। तो गुरुजी कहते चलो चलो आज मैं ना तुहानू लैके चलना जिथे पूरी दुनिया, मतलब द पीपल गोइंग टू कम। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई, गुरु जी की कंटेसा कार निकली, तो मैं बिकॉज मतलब कैन यू इमेजिन लाइक वी डोंट नो बट वी आर इंजॉइंग दैट मोमेंट टुडे। इफ आई गो बैक आई जस्ट हैव माई टीयर्स इन माई आईज, इट्स आई वॉज विद गुरु जी एंड देन इन बिटवीन आई टेल यू इन शॉर्ट। सो गुरुजी लेके गए कंटेसा में, और जैसे मैं उतरी तो ब्यूटीफुल शिवलिंग, मैं कहा गुरुजी एड्डा, बिकॉज मैं तो सरदारनी थी, मैंने बट मैं शिवजी की भगत थी। गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी मैं तो कभी देखा ही नहीं एड्डा बड़ा शिवलिंग, और गुरुजी इतनी जल्दी वॉक करते थे तो संगत उनको कैच ही नहीं कर पाती थी। तो गुरुजी जल्दी 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 भाग जा रहे, गुरुजी जा रहे, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं गुरुजी के।
तो उसके बाद मंदिर के ये जो थड़ा है, इफ़ यू कैन सी हियर, सो गुरुजी वहाँ बैठ जाते, कहते मुक्ता आंटी आज इनॉग्रल कर लिए थे बड़े मंदिर का। मैं कह इनॉग्रल मीन्स डांस। तो मैं कह गुरुजी राधे 12:30 ना म्यूजिक ना, पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने किसको बोला, वहाँ एक सिस्टम आया गाने का। गुरुजी कहते आज ना मुक्ता आंटी जब तक मैं तेनू ना कहवा ना यू हैव टू कीप ऑन डांसिंग। मैं कहा चलो ठीक है होएगा 5-10 मिनट। सो आई थॉट इन दैट वे। देन गुरुजी क्लोज हिज आईज एंड आप देखो कभी भी कोई सिंगिंग कर रहा है कोई डांस कर रहा है गुरुजी कभी उस उनको गुरुजी इज ब्लेसिंग एंड हीलिंग दैट संगत। एंड मैं यहाँ पे डांस कर रही हूँ 10-15-20 मिनट। देन आई एम लुकिंग एट गुरुजी, गुरुजी आँख ही नहीं खोल रहे। मैं क्या आज तो बड़ा फंस गए गुरुजी आज आँख नहीं खोल रहे हैं और मैं डांस कर रही हूँ। और यू नो बीइंग अगर एनीबडी हु बिलीव्स इन एनी गुरु एनी, कहते यार गुरु की बात है यार इसको तो रखनी पड़ेगी, जैसे बड़ों की बात रखनी पड़ेगी ऐसे गुरु की बात रखनी पड़ेगी। एंड मैंने कहा गुरु जी आँखें खोल दो मैं गिरने वाली हूँ। अब अंदर से ये भी है कि सरदारनी हूँ मैं यार, मैं गिरना नहीं है मुझे, आई हैव टू कीप ऑन डांसिंग। यू वोंट बिलीव आफ्टर 50 मिनट्स और 1 आवर टाइम ही ओपन हिज आईज। आई वॉज जस्ट अबाउट टू जैसे बिल्कुल गिरने वाली थी तभी गुरु जी ने आके को जा ऐश कर कल्याण किता। एंड वी थॉट कि यू नो जो ब्लेसिंग्स होती हैं ऐश करना गुरुजी की लैंग्वेज में है कि रियली ऐश करना, और कल्याण कीता मतलब आई हैड हील यू आई हैड ब्लेस यू एंड एवरीबडी गुरुजी वाज से यू नो। फिर हम बैठे गुरुजी के साथ आए, गुरुजी ने बहुत वहाँ पे दो भी हमारी 8-10 संगत थी, फिर हम लोग अपनी बातें करते रहे एंड वी वेंट बैक। And then I was I was in family way and Guruji said, kha ho roti kha, enu ho roti prashad do. I used to eat 8 roti prashad. Guruji kende enu ho deo. Aur Guruji pati nahi kis mein haat dalte the, laddu aa jata tha itna bada aur laddu de dete the. Main aise dekhi, तो मतलब यू हैव टू ईट आई कॉन्ट शेयर दैट बिकॉज दैट इज माई ब्लेसिंग। सो वहाँ पर बड़े आते थे गुरुजी मेरी प्रमोशन हो जाए, गुरुजी मेनू मुंडा हो जाए, गुरुजी तो मुझे कहते तेनू की चाहिए। मैंने कहा कि इतने सारे आते बिकॉज आई यूज टू टॉक अलॉट विद गुरुजी ठेठ पंजाबी में। सो मुझे तो समझ ही नहीं कि क्या चाहिए। मैं कहा गुरुजी सब कुछ है, सब ठीक है। कहते ओके। फिर एक जी था somebody has come and he was crying कि उसकी जिठानी ने दरानी में पे ब्लैक मैजिक कर दिया था। सो आई सॉ दैट ब्लैक मैजिक टू द हाउ गुरुजी हैज ब्लेस एंड हील दैट आंटी। सो बड़े बड़े डॉक्टर्स आते थे, सब गुरुजी को कहते थे और उनकी किसी की डॉटर्स में प्रॉब्लम्स एंड आई हैव सीन एवरीथिंग। पर मुझे पता ही नहीं होता था मुझे मांगना क्या है, ना मैंने कभी कुछ पूछा उनसे। एंड हेयर कम्स दी टर्निंग पॉइंट दैट आई गॉट आफ्टर आई डिलीवर्ड माई बेबी। एंड गुरुजी ने मुझे कहा मैनू दसी है यू नो आई टुक अ ब्लेसिंग्स फॉर माई बिकॉज इट वॉज अ सी सेक्शन। देन आई डोंट नो what happened to me, I got really disconnected, I don't know, na Guruji ne mujhe bulaya, but whenever I used to pass from MG Road, I said, Guruji, hi Guruji hai, main jaati thi, acha chalo Guruji ne nahi, you won't believe, I don't know what's go wrong, I stopped going, I didn't even go and take a blessing for my child and everything, and in 2013, 2013, Guruji has started calling me in his own ways. मैंने जान जाना हाँ आप भी गुरुजी को फॉलो करते हो, हाँ जी आप भी करते हो। मैंने कहा हाँ जी आई मेट इन 1999, आप गुरुजी से मिले हो एंड दे स्टार्ट हगिंग मी, दे स्टार्ट यू नो आई डोंट नो कि पता नहीं वॉट आई एम, हाउ द ब्यूटिफुल न्यू संगत इज। एंड मेरे को इतना अंदर मैं रोने लगी कि
मैंने क्या कुछ लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ गलती कर दी, बट दिस अगेन इट्स हिज कॉलिंग, आई डोंट नो। एंड सब जगह दिवाली पे, सब जगह किसी ने मुझे स्वरूप दे दिया, घर पे गुरुजी आ गए, सब कुछ हो गया। एंड देन इन 2013 इन जुलाई माय डॉटर गॉट अ डेंगू, सो आई वाज सिटिंग एंड प्लेटलेट्स उसके बहुत नीचे जा रहे थे, सो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि आई थिंक इट्स अ टाइम टू गो टू गुरुजी मंदिर। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मंदिर आई वेंट विद गुरुजी, एंड देन दिस वाज माय सेकंड टाइम व्हेन आई वेंट फॉर माय डॉटर। एंड द सेवादार फटाफट जल प्रसाद दिया और उन्होंने कहा कि ये आप पी के फिर जाना प्लेटलेट प्लेटलेट्स वाज नॉर्मल। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, अगेन कनेक्टिंग विद गुरुजी। एंड देन आई अंडरस्टैंड the Guruji's aura and the Guruji's blessings in his own way. And dheere 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 ghar mein satsang, idhar satsang seva, and this is how we all are so together. And aaj main US mein apni daughter ko drop karne aayi hu university mein, so you won't believe ki I was not interested to send my daughter in US university. So there is a one Sangat, he connect me with the Ohio Sangat and said, aapko kya apprehensions hain? Guruji hai na, hum sab hain. Can you imagine these words really value when any of the Sangat say like this? And then I said, kehte auntie aap bilkul mat. He connected me in Ohio Guru Sangat. I have a satsang also on 23rd. They have organized a satsang for me. And they said, you don't worry, she will be fine, we all are here. So what auntie was saying, yes, Shukrana is a very powerful, I'm just cut short because I have a time limit. So I really, really agree with auntie, because Shukrana itna word bada hai, aur hame lagta hai din raat hame Shukrana karna, and we should be content what we have. So Shukrana Guruji for giving me this platform today with such a your beautiful Sangat. And Aarti Aunty, thank you so much. Seema Aunty, thank you so much. I hope I try to perfect. So thank you so much, and Jai Guruji, and lots of blessings to everybody. Thank you so much.